जू वाला सेकंड पार्ट में आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। पहले वाले वीडियो में मैं ये सब दिखाई हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर देख लिए हैं तो सेकंड पार्ट देखने में और भी मज़ा आने वाला है। बस छोटा सा मैं ये क्लिप फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका डाल दी हूँ ताकि आपको ऐसा याद हो जाए कि ये सब देख लिए हैं तो अब सेकेंड पार्ट में दिखाएँगे। तो सेकेंड पार्ट में अभी चलिए बने रहिए और देखिए आज का जू का सेकेंड पार्ट। तो जू का राइट साइड में जो है हम लोग घूम लिए थे, अब लेफ्ट साइड में ये पुल से क्रॉस होके इधर आया जाता है, तो अभी हम लोग पुल क्रॉस करेंगे। ये छोटा सा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा सा पाउन जैसा है, और इसको क्रॉस करके अभी जाते हैं उधर और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ऋषि को जो है भूख लग गई है तो उधर जाने से पहले उसको फीड करवा देती हूँ और आपको जो है यहाँ का नर्सिंग एरिया भी दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके और यहाँ पे बनाया हुआ रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा से रूम जैसा बनाया हुआ है नर्सिंग एरिया, जहाँ पे आप अपने बच्चे को अच्छे से बैठ के आराम से फीड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक चेयर और एक मैट रखा हुआ है जहाँ पे आप अपने बच्चे को रख के और दूध वगैरह पिला सकते हैं। यहाँ पे अंदर जो है अभी हम आ गए हैं और यहाँ से अभी अंदर जाएंगे। यहाँ पे कैफ़े है, कैफ़े में जिसको कॉफ़ी पीना है या छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, वहाँ खाना पीना भी मिलता है। यहाँ पे गिफ्ट का दुकान भी है एक दो, और यहाँ पे अभी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, यहाँ पे इस एरिया में आपको सिर्फ जो गर्म देश में रहने वाला एनिमल्स हैं यहाँ पर आपको वही दिखेंगे, और पिछले वाले वीडियो में जो है वो ठंडे वाले मोस्टली जो ठंडे में रहते हैं ना जानवर वो वाले थे। और ये है, इसके लिए हम जो है दो पार्ट में अलग कर दिए थे कि गर्म वाला एनिमल्स को अलग दिखाएंगे और ठंडे वाले एनिमल्स को अलग दिखाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर ना मनी प्लांट भी लगाया हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये रहा मनी प्लांट। ये ट्रॉपिक फॉरेस्ट है, मतलब जितना भी एनिमल इस दोनों लाइन के बीच में मिलता है ना गर्म जगह पे वो दिखाएगा। ओके, ये देखो मेडागास्कर, ये है ड्रैगन।
यहाँ पे आपने चिड़िया का चहचहाने का आवाज़ सुन लिए होंगे और यहाँ पे छोटे छोटे पैरोट है और चिड़िया हैं बहुत टाइप्स के। यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा पाउंड है, वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे मंकी है। यहाँ पे देख सकते हैं मंकी जो है आपस में खेल रहे हैं। नीचे यह फ्लमिंगो है और डक है जो कि पानी में अपना मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे डक की, लुक डक की, थ्री लिटिल डक की, फोर लिटिल डक की। ये है राइनोसोरस हॉर्नबिल। यहाँ पे ये साउथ अमेरिका का ये एनिमल है, इसका नाम है तापीर। हम लोगों ने पहली बार देखा है जू में ही। हम लोग जा रहे हैं एक केव के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं कितना डार्क है ये केव। अभी केव के अंदर क्या होने वाला है, आई डोंट नो क्या रहता है। तो चलिए बने रहिए इस अंधेरे में और एंजॉय कीजिए इस टनल का मजा। माय गुडनेस, हेलो, हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूं। आई थिंक यहाँ पे केव के अंदर भी जो है ना कोई एक्वेरियम ही है क्योंकि ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है उस तरीके से। हाँ, यहाँ पे वही है। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बनाया हुआ है और फिर इसके आगे निकलेंगे एक और ट्रेल पे, मतलब थोड़ा देर की और वॉक करना है। वहाँ अंदर क्या है वो भी दिखा दूँगी, फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे। कमान सूर्य, यहाँ पे ये पिग है। पिग जो है भाव खा रहा है, देखो हम लोग को देख के अंदर भाग रहा है, वो अपने गुफे में घुस रहा है। यहाँ पे अभी जो आपको दिख रहा है वो है बिग हॉर्न शिप। आपने वो वाइट वाले शिप के ऐसे सिंग नहीं होते हैं, बट इसका है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक और केव मिला है। अब इस केव के अंदर जाते हैं, यहाँ क्या क्या है वो भी दिखाती हूँ। थोड़ा वॉक करना पड़ रहा है इधर से उधर, बहुत लंबा लंबा ट्रेल है, तो यहाँ पे भी वॉक करके जाते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे स्नेक है, ये केव के अंदर आया था। यहाँ देखिए स्नेक है, यहाँ पे देख सकते हैं वो पानी में लेटा हुआ है, बहुत ही बड़ा है। उसका आधा जो बॉडी है उधर छुपा हुआ है रॉक के पीछे, बट इधर बहुत बड़ा था। और अभी जो है यहाँ पे कबूतर है, बहुत सारे चिड़िया हैं, यहाँ पे एक रेड पैरोट है। अभी दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेड पैरोट है। यहाँ पे अभी जो है हम लोग देखेंगे रेड बेयर। और रेड बेयर जो है बहुत ही नीचे है, पेड़ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो पेड़ के बीच में वो लाल दिख रहा है, वो सो रहा है अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं,
यहाँ पे अंदर जो है हम लोग ट्रेल पे वॉक कर लिए, जो था वो सब दिखा दिए। यहाँ पे निकलते टाइम हम लोग को यहाँ पे ड्रैगन का कंकाल और उधर साइड में स्नेक का कंकाल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लास्ट बचा हुआ है पेंगुइन, आप सबको नहीं दिखाए हैं, ये अफ्रीकन पेंगुइन है। तो चलिए अंदर आपको दिखा देती हूँ, ये लास्ट है। ये देखने के बाद अभी थोड़ा बहुत और बाहर का नज़ारा दिखा के और फिर निकलेंगे बाहर। तो यहाँ पे ये गिफ्ट शॉप में थोड़ा सा सूर्यांशु कुछ ख़रीदने लगा था, तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट हम लोग का ख़त्म हो गया घूमना। और इसका जू का जो है क्लोजिंग टाइम भी है, अभी 4 बजे जो है ये क्लोज़ हो जाता है। तो अभी चलिए निकलते हैं बाहर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइम पर मिलते रहे और आप वीडियो को इंजॉय करें। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।